सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं GTA 5 माइकल के साथ। तो यार, जैसे कि लास्ट एपिसोड में यार सभी लोग को याद होगा कि यार लॉस सैंटोस का एक सबसे बड़ा डॉन है जिसने यार माइकल को एक काम दिया था, और वो काम ये था कि यार लॉस सैंटोस का ही एक सबसे बड़ा बिल्डर है। तो उस बिल्डर से यार उस डॉन ने $100 मिलियन की काफ़ी टाइम पहले डील करी थी, ठीक है। तो यार देखो, उसने ये डील इसलिए करी थी क्योंकि यार उसको बिल्डिंग चाहिए थी, क्योंकि देखो वो बिल्डर है तो वो बिल्डिंग बनाता रहता था, और बिल्डिंग की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है काफ़ी टाइम बाद। तो इसीलिए उसने ये डील करी थी। और गए थे, जब वो बिल्डिंग बन गई ना, उसके बाद भाई उस बिल्डर ने ना उस डॉन को बिल्डिंग के पेपर्स देने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। देख रहे, मतलब सीधा सीधा $100 मिलियन का चूना लगा दिया उस बंदे ने। तो इसीलिए उसने काम हमको दिया था, उसने हमसे ये बोला था कि तुम यार उस बिल्डर से कैसे भी करके उसको डरा धमका के मार के कैसे भी करके उस बिल्डिंग के पेपर मुझे ला कर दे दो, ठीक है। तो माइकल को तो यार देखो कल कुछ काम था, इसलिए माइकल को सिटी से बाहर जाना पड़ा था। तो माइकल अब 2 दिन बाद लॉस सैंटोस वापस आया। तो माइकल यार फ्रैंकलिन को वो काम देकर गया था, तो और फ्रैंकलिन यार वो काम बड़ी अच्छी तरीके से कर दिया था। मतलब वो बिल्डिंग में घुसकर उसने वहाँ पे उनके जितने भी बंदे थे ना, वहाँ पे शायद कोई डील चल रही थी, तो वो डील को पूरी की पूरी डील को खत्म ही कर दिया था। मतलब वहाँ पे जितने बंदे थे ना, उन सबको जाकर उसने मार दिया था, और मतलब वो वहाँ पे डर गए थे सारे के सारे लोग, ठीक है। तो माइकल यार 2 दिन बाद लॉस सैंटोस वापस आया। तो देखो दिक्कत ये हो गई ना कि फ्रैंकलिन का मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है, मतलब फ्रैंकलिन का ना फोन नंबर लग रहा है, ना फ्रैंकलिन अपने घर पर है। मतलब उसका जहाँ जहाँ पे वो होता है ना, वहाँ पे हम लोग ने हर जगह उसको देख लिया, बट वो मिल नहीं रहा है। अब वो पता नहीं कहाँ पे चले गया, या अभी उसका मतलब कोई लोकेशन तक ट्रैक नहीं कर पा रहा उसकी। तो हमने यार लेस्टर से अच्छे से बातचीत करी है, तो अभी वो यार उसकी लोकेशन ट्रैक करने में लगा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास ही, और उससे जाकर हम लोग अच्छे से बातचीत करते हैं कि उसकी लोकेशन मिली कि नहीं मिली। ओके, तो पहले इसका रेडियो बंद करता हूँ। और कहीं सर, मैंने लंबोर्गिनी टायर्स का देखो कलर भी चेंज करवा दिया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे यार कि इसमें रेड कलर करवा लो, तो मैंने यार देखो रेड कलर ही करवा लिया। तो आप लोग यार मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग को रेड कलर कैसा लग रहा है। अगर बढ़िया लग रहा है तो बता देना, नहीं लग रहा है तो भी बता देना यार। और अगर आप लोग चाहते हो मैं इसमें कोई और कलर करवाऊँ, तो उसके लिए भी यार आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फटाफट चलते हैं लेस्टर के पास, तो मैं पहले मैप में मार्क कर लेता हूँ। तो लेस्टर भी फिलहाल के लिए इस लोकेशन पे है। ये वाला जो बेस है ना, ये लेस्टर का एकदम सीक्रेट वाला है, मैं आप लोग को चलकर ही दिखाता हूँ भाई। एक हैकिंग रूम, अरे अरे अरे, ये लेस्टर ने यार एक तगड़ा वाला हैकिंग रूम, अरे भाई वो देखो उसको। तो लेस्टर ने यार एक अपना तगड़ा वाला हैकिंग रूम बना रखा है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं उस हैकिंग रूम में, और मैं आप लोग को वहीं चलकर दिखाता हूँ। बड़ा तगड़ा सा बना रखा है लेस्टर ने ये वाला। ओके, तो ज़्यादा दूर नहीं है फिलहाल के लिए यहाँ पे। अरे 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 अरे, ओके तो ये है देखो भाई लेस्टर का हैकिंग रूम। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। और गाइस यार, ये वाला जो बेस है ना, लेस्टर ने अंडरग्राउंड बनवा रखा है। तो आप लोगों को देखो यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा भाई बेस है तो है कहाँ। देखो चारों तरफ देख लो भाई, आप लोगों को पता तक नहीं चलेगा यहाँ पे कोई बेस है भी, मतलब कोई सोच तक नहीं सकता भाई यहाँ पे कोई बेस होगा। तो ये अंडरग्राउंड है, तो मैं फटाफट से गाड़ी से उतर जाता हूँ, और अपन लोग चलते हैं अंडरग्राउंड की तरफ। ओके तो चलो भाई। अरे अरे अरे, कहाँ चले गया भाई माइकल। ओके तो ओके, तो ये है यार देखो लेस्टर का हैकिंग रूम। और लेस्टर ने देखो सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे रख रखे हैं। ओके, एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे है। देख रहे हो मतलब कितना खतरनाक रूम बना रखा भाई लेस्टर ने। देखो चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर लग रहा है, अभी फिलहाल के लिए पूरा खाली है, वरना ये थोड़ा बहुत भरा रहता है यार। देख रहे हो मतलब लाइन से भाई, देखो कंप्यूटर ही कंप्यूटर लाइन से, देखो वहाँ तक लाइन से कंप्यूटर रखे हुए हैं। अपन लोग चलते हैं नीचे की तरफ, हट जा बे। ओके तो लेस्टर वहाँ पर बैठा है। ओके, एक सिक्योरिटी गार्ड उसने यहाँ, ओके 2 सिक्योरिटी गार्ड अपने पीछे भी रख रखे हैं उसने। ओके तो वो देखो भाई लेस्टर लग रहा है अपना ही वही लोकेशन का कुछ काम कर रहा है। तो मैं इससे अच्छे से पहले बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ ना कि इसकी लोकेशन हमें पता चली कि नहीं चली। तो देखते हैं क्या बताता है हमें लेस्टर। ओके तो उठ जाओ भाई लेस्टर भाई। ओके गाइस, तो हमारी लेस्टर से तो बातचीत हो चुकी है। तो देखो यार, लेस्टर ने हमें ये बताया कि उसकी फ्रैंकलिन ने एकदम एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें पता नहीं चल पाई, क्योंकि यार जो फ्रैंकलिन का फ़ोन था ना, वो शायद या तो टूट चुका है या तो फिर उसके पास वो मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से यार हमें उसकी लोकेशन तो पता नहीं लग पाई। बट यार देखो, उसकी कार में ना एक GPS लगा हुआ था, तो उसकी वजह से यार हमें उसकी लोकेशन थोड़ी सी ट्रैक करने को मिली। बट यार लेस्टर हमें ये बोल रहा है कि उसकी लोकेशन खाली थोड़े टाइम के लिए ट्रैक हुई, उसके बाद उसकी लोकेशन एकदम से चली गई। मतलब अब एकदम से चले गई। तो लेस्टर हमें ये बोल रहा है कि या तो उसकी कार किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी, या तो फिर उसकी कार से यार उन लोगों ने GPS निकाल लिया जिसके पास भी वो कार है। तो अभी हमें चलकर देखना है यार। तो लेस्टर ने हमें ये बोला है कि तुम यार उसी लोकेशन में जाओ जहाँ पे लास्ट लोकेशन हमें शो कर रहा था। तो फटाफट से हम लोग पहले बाहर की तरफ चलते हैं यार, उसके बाद हम लोग चलते हैं उसी लोकेशन पर। ओके तो अपन लोग बाहर को आ चुके हैं, और अपनी रेड टायर जो हमें चलते हैं बैठ कर। ओके तो उसकी जो कार की लोकेशन है ना, वो देखो इस साइड में है। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग उसी लोकेशन पर, और चलकर देखते हैं यार वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं है, उसकी कार है कि नहीं है। ओके
और तब तक अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार वीडियोस बनाने का, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली GTA 5 की वीडियोज़ तो डालते ही, और साथ ही साथ यार मैंने माइनक्राफ्ट की वीडियोज़ भी डालना स्टार्ट कर दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग उसी लोकेशन पर और मैं आप लोग को यार वहीं पर मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार फटाफट चलते हैं हम लोग उसी लोकेशन पे। तो मैं सोच रहा हूँ यार ट्रेवर को भी अपने साथ लेकर चलूँ यार। तो ट्रेवर का जो अड्डा है वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है यार, यहीं पर है। तो ट्रेवर का घर देखो इस साइड में कहीं पे, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी लेकर चलते हैं यार अपने साथ ही, क्योंकि ट्रेवर से भी भाई मिलना हो नहीं पाए काफ़ी दिनों से, तो उसको लेकर ही चलते हैं यार अपने साथ। अरे 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 भाई 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 ओके तो अरे भाई ओके तो ट्रेवर का घर तो बस आने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको कॉल करके बुला लेता हूँ यार बाहर को थोड़ा सा, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पर अपने घर पे होगा भी इस टाइम पे कि नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई पता नहीं भाई वो कहाँ रहता है। तो मैं यार उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ। तो गाड़ी को पहले लगाते हैं साइड में, तो उसका नंबर है ये रहा। ओके गाइस यार तो मैंने ट्रेवर को तो कॉल कर बोल दिया है, तो वो यार देखो बाहर की साइड ही कहीं पर खड़ा है, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग उसी तरफ। ये खड़ा है। और भाई ड्राइवर भाई क्या हाल चाल, आ जाओ भाई कार में आ जाओ भाई। ओके तो ट्रेवर अपने साथ बैठ चुका है, तो अब चलते हैं यार हम लोग उसी लोकेशन पे। तो मैं पहले एक बार मैप में फिर से मार्क कर लेता हूँ इस साइड में है वो कहीं लोकेशन, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग उसी लोकेशन पे और चलकर देखते हैं वहाँ पे फ्रैंकलिन की कार है कि नहीं है। अब देखो यार फ्रैंकलिन तो भाई पता नहीं कहाँ चले गया भाई, पता नहीं लापता हो गया या पता नहीं सिटी छोड़कर ही चले गया, तो उसकी लोकेशन का तो कोई अता पता चल नहीं रहा है। तो चलते यार पहले तो उसी लोकेशन पर देखते हैं कहीं वो वहीं पर कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया हो और वो वहीं कार के पास पड़ा हो। ओके तो चलकर देखते हैं अपन लोग उसी लोकेशन पे। ओके गाइस यार तो अपन लोग पहुंचने वाले यार उसी लोकेशन पे, तो कहाँ से है भाई इसका रास्ता लोकेशन का। ओके मेरे को लग रहा है यहाँ पहाड़ से मेरे को लेकर जानी पड़ेगी। ओके तो टायर तो यार बड़ी मुश्किल हो जाती है यार उसको पहाड़ पे चढ़ाने में। अरे 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 ओ बच गया खरगोश बच गया। ओके तो मेरे को लग रहा है मेरे को अरे यार शिट ओके तो मेरे को लग रहा है मेरे को उस साइड में जाना है यार। एक तो ये वाली लोकेशन ना कसम से बड़ी खतरनाक सी है भाई। अरे रे 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 एक तो टायर्सो को यहाँ लाना ना बड़ा अरे मुश्किल हो जाता है यार बहुत, क्योंकि टायर्सो का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता नहीं है तो वो नीचे लगते रहती बार बार। ओके तो गाइस यार हम लोग आगे की तरफ चलते हैं अब, तो उसकी कार यार कहाँ पर है मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही यार। तो अरे रे 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 तो ये कार ना यहाँ पर हम लोग गलत ही ले आए भाई इतनी ऊपर पहाड़ पर। अरे रे रे भाई 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 ओके तो मेरे को लग रहा है इस साइड में है भाई लोकेशन, अगर हमें लोकेशन नहीं मिली तो लेस्टर से हम लोग एक बार दोबारा से पूछेंगे। ओके एक मिनट, तो वहाँ पे मेरे को कोई कार दिख तो रही है यार। ओके तो ये फ्रैंकलिन की कार जैसी है क्या। ओके फ्रैंकलिन की कार लग रही है यार, मॉडिफाई करी है उसमें रेड कलर हो रखा है, फ्रैंकलिन ने अपनी कार को बीच में मॉडिफाई तो करवाया था यार। तो मैं एक बार ड्रोन से देखता हूँ यार ये फ्रैंकलिन की कार है कि किसी और की कार है, लग तो मेरे को फ्रैंकलिन की रही है। ओके गाइस तो ये फ्रैंकलिन की ही कार है, देख रहे हो मतलब पूरी तबाह कर दी यार इन लोगों ने कार ही। कौन ओहो ये तो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं भाई, हद है भाई देख रहे हो मतलब। ये तो गए भाई मेरे हाथ से गए। तो मैं पहले अपनी कार को ना कहीं पे साइड में लगा कर आता हूँ यार, इधर ऊपर पहाड़ पे कहीं पे छोड़ देता हूँ इसको। तो मैं कार को यहीं पर छोड़ देता हूँ यार, गिरेगी तो गिरेगी वरना जाए पहाड़ में कार। आजा भाई ड्राइवर जल्दी आ जल्दी आ भाई जल्दी, हमें भाई उन लोग को मारना यार जाके। तो मैं हाथ में अपनी गन ले लेता हूँ अपनी फेवरेट वाली। ओके तो ड्राइवर ने भी अपने हाथ में से गन निकाल ली है, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ। पहले तो आराम आराम से जाना पड़ेगा वरना यहाँ से गिर गए तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके गाइस तो अपन अरे 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 मतलब हद है भाई, आने तो दो भाई। इनको मेरे को लग रहा है नीट छोड़ना पड़ेगा। आ जाओ बेटा आ जाओ तुम आओ, आके तो दिखाओ ब्रो कह रहा हूँ, सॉरी इनको तो ब्रो कहने का लायक नहीं है ये लोग तो। बे ड्राइवर का अरे मारना भाई उनको मार, वो देख रहा है मेरा खड़ा होके, मार ले भाई उनको। ओके मार रहा है ड्राइवर मार रहा है, चल तेरी। ओके कहाँ है बंदे, मर गए क्या सारे के सारे। ओके वहाँ पे भी खड़े हैं भाई उनके बंदे, देख रहे हो मतलब लाइन से खड़े हैं भाई उनके बंदे लाइन से, बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन के। चल बेटा निकल। ये वाली गन ना कसम से बहुत ही बढ़िया यार, एकदम मशीन गन का फील देती है। अबे चलना हो गया, आने तक नहीं देंगे तुम लोग को। अरे एक यहाँ पे भी खड़ा है। ओके और बंदे तो नहीं है इनके। ओके तो मेरे को लगा मैंने सबको मार दिया है, और बंदे तो नहीं है ना इनके।
ओके गाइस यार, तो देखो यहाँ पे हमें फ्रैंकलिन की कार मिली है, बट यार देखो फ्रैंकलिन का तो कोई अभी अता पता पता नहीं चल रहा है यार। इन लोग को तो हमने मार दिया, तो इसकी कार पता नहीं ये लोग क्यों यहाँ पे आके जला दी इन लोगों ने, मेरे को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो मैं एक बार यार लेस्टर को कॉल करके ये सारी बात बताता हूँ यार। तो लेस्टर का नंबर कहाँ गया? ऐसी तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, फ्रैंकलिन का ना तो नंबर लग रहा है ना उसकी कार के पास मिला वो। ओके गाइस, तो मैंने लेस्टर को सारी बात बता दी है, तो वो यार अब दोबारा से कह रहा है कि मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ यार फ्रैंकलिन की लोकेशन ट्रैक करने का। तो अपन लोग अब चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि यार देखो अगर उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं होने तब तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। आजा भाई, ट्रेवर कहाँ गया? ओके ट्रेवर आ रहा है आराम आराम से। तो अपन लोग पहले ऊपर की तरफ जाके कार लेकर आते हैं यार। ओके, तो अपनी कार अभी भी फिलहाल के लिए यहाँ पर सेफ है, बैठ जा भाई जल्दी से। ओके ट्रेवर भी चलो जल्दी जल्दी आ गया, बैठ जा भाई जल्दी, तू भी बैठ यार। अरे यार चल भाई बैठ जल्दी, बैठ जल्दी। अरे ओके, तो गाइस ड्राइवर भी अपने साथ बैठ चुका है। तो अब हम लोग दोबारा से चलते यार लेस्टर के पास। तो देखो यार वो लोकेशन ट्रैक कर रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं यार। अरे भाई, अरे रे 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 रे, तो यहाँ से पहले मेरे को बाहर को निकलना है यार, क्योंकि यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है भाई रहना। अरे रे रे भाई। ओके, तो गाइस अपन लोग देखो हाईवे पे आ चुके हैं, तो अब फटाफट से हम लोग भगाते हुए चलते यार लेस्टर के पास दोबारा से। ओके अरे भाई, अरे यार एक तो हम लोग रॉन्ग रोड में आ गए यार, बड़ी दिक्कत है यार रॉन्ग रोड की भी। ओके चलो कोई नहीं यार, अपन लोग यहाँ से कट ले लेंगे। अरे अरे भाई। ओके तो फटाफट चलते हैं हम लोग अब लेस्टर के पास। तो उसका अड्डा कहाँ गया? ये है। ओके और कहीं तरह मैं सोच रहा हूँ कि लेस्टर के पास जाने से पहले ना हम लोग लॉस्ट गैंग से भाई पंगा लेके आते हैं भाई सीधा। मतलब देख लो लॉस्ट गैंग ने भाई फ्रैंकलिन की कार को आखिर करा तो करा क्या, मतलब फ्रैंकलिन की कार के साथ उन्होंने ऐसा क्यों करा? तो हम लोग उनसे एक बार ही पूछ के आ रहा था यार। तो उनसे देखो फाइट वाइट तो वहाँ पे होनी है, ठीक है, क्योंकि माइकल जा रहा है और माइकल और लॉस्ट गैंग का तो भाई कब से बहुत तगड़ा वाला पंगा चल रहा है। तो हम लोग चलते सबसे पहले तो लॉस्ट गैंग के पास यार। तो उनकी जो लोकेशन है वो मेरे ख्याल से इस साइड में कहीं पर है, यहाँ पर है शायद उनका कहीं अड्डा। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग उन्हीं के पास भाई। ओके ये कौन से लॉस्ट गैंग के थे क्या बंदे? ओके लॉस्ट गैंग के नहीं थे बंदे ये। तो जल्दी से चलते भाई लॉस्ट गैंग के पास, उनसे पंगा लेकर आते हैं खतरनाक वाला। मतलब देख रहे हो मतलब फ्रैंकलिन की कार को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय आखिर किया तो किया क्यों? मतलब कोई हलवा हो रहा है क्या भाई? कोई भी आ रहा है फ्रैंकलिन कार को डिस्ट्रॉय करके चले जा रहा है भाई। तो जल्दी से चलते हम लोग लॉस्ट गैंग के पास और उनसे ही जाकर एक बार पूछते हैं, क्या पता भाई उनको पता हो कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। अरे अरे, और ये वाली कार ना कम से कम जो मॉडिफाई करवाने के बाद ना बड़ी ड्रिफ्ट हो रही है भाई। ओके गए थे तो अपन लोग पहुंच चुके हैं लॉस्ट गैंग के अड्डे पर, और मैंने यार मैप में थोड़ा गलत मार्क लगा दिया, मतलब थोड़ा सा मेरे को आगे को मार्क लगाना था। तो देख रहे हो भाई कितने बंदे खड़े हैं भाई इनके, तो लग रहा है ये लोग पूरी तैयारी से खड़े हैं यहाँ पे। यहीं से मारूंगा इनको। ओके ओ भाई 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 भाई, अरे 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 अरे, गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने तो भाई सीधा। तो मैं कार को पार करता हूँ यहीं पर और चलते हैं भाई इनको मार के आते। अरे 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 भाई, देख रहे हो मतलब, तो मेरे को लग रहा है हाथ में वही अपनी वाली गन लेनी पड़ेगी। ओके ओह, ड्राइवर तो शुरू भी हो गया भाई मारना। ओके तो पास ही चलते हैं भाई, देखा जाएगा जो भी होना है, क्योंकि देखो ड्राइवर ने और माइकल ने दोनों ने भाई बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनी रखी, इनको कुछ होना होने वाला है नहीं। चल बेटा निकल 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 निकल, मेरे को लग रहा है यहाँ पे नीट फेंकनी पड़ेगी। चल बेटा चल 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 बेटा निकल, चल तेरी भैंस की, चल बेटा चल चल चल। ओ भाई देख रहा मतलब क्या तगड़ा वाला सीन करा माइकल ने, तो ड्राइवर का ड्राइवर का। अरे चलना यार लॉस्ट गैंग के बंदे भाई, घुस के मारना इन लोग को घुस के सीधा। अबे यार क्या ले लिया मैंने हाथ में, चल बेटा चल बेटा चल बेटा। ओ कैसे उड़ा वो, कैसे उड़ गया भाई साहब, देख रहे हो कि वहाँ पे भी खड़े हैं बंदे इनके। हाँ यार ये कहाँ से मार रहा, अबे 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 क्या बंदा है ये। ओके चल बेटा निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी। ओके तो दो स्टार पुलिस अपने पीछे लगी है अभी फिलहाल के लिए। ओ हेलमेट हेलमेट पहन के मारेगा हमें, हेलमेट पहन के। इसको देखो भाई गंजे को, देखो भाई गंजे को, याली गंजे को भाई पूरी चिथड़ी उड़ा दे रही भाई लोगों को, ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक रही है ना। ओके ओहो पुलिस से भी फाइट ले रहे लोग अब, देख रहे हो मतलब इनका मन नहीं भरा भाई माइकल से मार खा के। एक ये पता नहीं कहाँ लहरने में लगा हुआ, ये देखो ये देखो ये। ओके तो लग रहा है मैंने सबको मार दिया, अंदर भी है क्या बंदे? क्योंकि तो अंदर तो मेरे को लग नहीं रहा अंदर कोई है। ओके अंदर कोई नहीं है, तो अपन लोग बाहर को चलते जल्दी से। एक तो दो चार पुलिस भी अपने पीछे लग चुकी है यार। ओके
तो ड्राइवर, अरे चल तेरी, ड्राइवर कहाँ ड्राइवर, अबे यार ड्राइवर पुलिस वाले से क्यों पंगे ले रहा है भाई, देख रहे मतलब सारे पुलिस वालों को मार दिया भाई ड्राइवर ने, अबे भाई। ओके लॉस गैंग के बंदे हैं क्या, और ओके एक बंदा है मेरे को लग रहा है यार लॉस गैंग का। ओके कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ओके तो वो पुलिस वाले हैं यार, पुलिस वाले मार रहे हैं लग रहा है मेरे को, इनको मारना ही पड़ेगा यार पुलिस वालों को, माइक ड्राइवर ने पंगा जो ले लिया भाई इनसे, चलना यार हट 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 हट, चल आ जा भाई ड्राइवर आ जा, अब नहीं लेना इनसे हमें पंगा यार कुछ, जितना हमें लेना था उतना ले दिया। तो देखो भाई यहाँ पे भी फ्रैंकलिन नहीं है, देख रहे हो मतलब हर जगह हम लोग ने चेक कर रहे हैं लेकिन फ्रैंकलिन हमें मिल ही नहीं रहा है। आ जा भाई ड्राइवर, अरे यार इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, पुलिस वाले से पंगा लेने में लगा हुआ, अरे यार मैंने कहाँ घेर दी कार को। आ जा भाई ड्राइवर जल्दी आ जा जल्दी, बैठ 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 यार ड्राइवर, बैठ जा भाई उड़ जाएगा कार से, अरे भाई बैठ जा, अरे बैठ जा यार भाई बैठ जा बैठ जा, अरे यार चलो बैठ गया बैठ, चलो आखिरकार बैठा तो सही अपन लोग, अब चलते हैं जल्दी से यार यहाँ से सीधा निकलते हैं। तो तीन चार पुलिस अपने पीछे लग चुकी है, ओके सामने से भी लग रहा है पुलिस वाला आ रहा है, ओके अरे रे 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 रे, ओके तो सामने से भी पुलिस आ रही है, अरे यार देख रहे हो भाई इनको भी अभी निकालना होता है, अरे रे 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 भाई ये भी टायर जो नहीं होते ना कसम से बड़ी दिक्कत हो जाती है, टायर जो लग रहा है आगे से थोड़ी टूट, ओके टूटी नहीं है, अरे तेरी तो, ओके तो लग रहा है हमें इनसे पीछे छुड़वाना पड़ेगा यार जल्दी से, एक तो बड़ी दिक्कत हो गई यार कसम से यार। ओके तो मेरे को लग रहा है मेरे को लेस्टर को कॉल करनी पड़ेगी क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं भाई, ठीक है ना, तो मैं फटाफट से लेस्टर को कॉल कर देता हूँ यार क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। ओके ओके गाइस लेस्टर से बात करते हैं भाई, उसने तुरंत ही भाई दो स्टार पुलिस अपने पीछे से कम करवा दी, तो जल्दी से अब हम लोग निकलते हैं, मैं एक काम करता हूँ ना, ओ यार दो स्टार लग गई है फिर से, शिट देख रहे हो मतलब एक स्टार से सीधा दो स्टार हो गए तुरंत ही। माइकल तो भाई पुलिस वालों का फेवरेट बन चुका है भाई, उनको भी मज़ा आता है माइकल का पीछा करने में। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से यार, अरे यार एक तो ये ना लॉस सैंटोस के बंदे ऐसी है भाई, सैंडी शोर्स के बंदे सॉरी, तो स्टार ब्लिंक हो रहे हैं स्टार ब्लिंक हो रहे हैं, बस सामने से कोई पुलिस वाला ना आ जाए यार। ओके अरे यार लो जो मैं सोच रहा था वही हुआ, सामने एक पुलिस वाला खड़ा है, तो मेरे को लग रहा है इस साइड में कहीं पे जाना पड़ेगा। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, ये टूटेंगे क्या, ओके टूट चुके हैं, अरे भाई लो उस साइड से भी आ रहा है भाई एक बंदा, हद है यार, तो मैं इस साइड को चलता हूँ। ओके तो मैं इस साइड को चलता हूँ यार, यहाँ तो भाई पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे भाई, ढूंढ ही नहीं पाएंगे अपन लोग को ये लोग, ओ तेरी। ओके अबे यार पुलिस सामने से आ गई, हद है यार कहते जहर हो रखे ये लोग भी। ओके गाइस देखो पुलिस वाले ने अपने पीछे छोड़ दिया है, देख रहे मतलब मैं कह रहा था तुमसे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे वो लोग, अब अपन लोग यहाँ से बाहर को चलते और अब चलते हम लोग लेस्टर के पास यार, तो लेस्टर का अड्डा तो भाई बहुत ही दूर है यार, तो फटाफट चलते हम लोग लेस्टर के अड्डे के पास, मतलब लेस्टर का जो हैकिंग रूम है। ओके गाइस तो अभी अभी हमारे पास उस डॉन की कॉल आई है जिससे यार उस बिल्डर की डील हुई थी, जिस बिल्डर ने उसको 100 मिलियन डॉलर का धोखा दिया था, ठीक है, तो उसके यार अभी हमारे पास कॉल आई है, तो वो हमें यार ये बता रहा है कि उसको यार फ्रैंकलिन की डेड बॉडी दिखी है, देख रहे हो मतलब फ्रैंकलिन की डेड बॉडी यार, हद है यार भाई फ्रैंकलिन मर गया होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, तो उसकी यार जो लोकेशन है ना वो उसने हमें सेंड कर दी है, तो फटाफट से हम लोग यार पहले तो उसी लोकेशन पर चलते हैं यार भाई। अरे 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 और गाइस यार वो ये कह रहा है कि जो बिल्डर है ना भाई ये काम बिल्डर ने ही करवाया क्योंकि भाई फ्रैंकलिन ने उसके आदमियों पे जाके हमला कर रहा था और उसके आदमियों को बहुत सारे मतलब डील चल रही थी वहाँ पे, उसकी पूरी डील ख़राब कर दी थी, तो इसीलिए यार उस बिल्डर ने फ्रैंकलिन को मरवा दिया है, देख रहे हो मतलब यार हद हो गई कसम से। तो अभी हम लोग चलते हैं भाई उसी बिल्डर के मैंशन पे और चलकर देखते हैं यार वहाँ पे, और देखते क्या वहाँ पे हमला करके आना है भाई, वो बिल्डर तो आज हमारे हाथ से गया भाई, और फ्रैंकलिन की हम लोग डेड बॉडी भी देख कर आते हैं यार, कहीं वो फ्रैंकलिन की है कि किसी और की है, क्योंकि भाई डॉन है डॉन ने बोला है तो शायद हो सकती है यार फ्रैंकलिन की डेड बॉडी, और फ्रैंकलिन भाई दो तीन दिन से मिल भी नहीं रहा है, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग उसी लोकेशन पे और चलकर देखते हैं यार। अरे 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 ओके गाइस इधर तो अपन लोग पहुंच चुके हैं भाई उसके मैंशन के पास, और भाई इस बार हमें ड्रोन से देखना नहीं है भाई, सीधा भाई उसके मैंशन में जाते घुस के उसे मार के आना है भाई सीधा, मतलब उसको एकदम भनक भी नहीं लगने देंगे भाई कि कोई आ रहा है उसको मारने के लिए। ओके तो ये है यार उसका मैंशन, ओके तो गैराज खुल रहा है क्या भाई, इसी के गैराज में हम लोग अपनी कार खड़ी करके जाएंगे भाई, इसी के गैराज में देख रहे हो मतलब बंदे ने गैराज भी बना रखा है भाई खतरनाक सा। ओके तो अंदर को चलते हैं भाई, अभी ड्रोन से नहीं देखना अपन लोग को।
ओके, तो कहते हैं अपन लोग ना पीछे के रास्ते से आ गए हैं, क्योंकि उस साइड में तो भाई थोड़ा खतरा सा हो सकता है। तो पहले हम इसको रीलोड, अच्छा रीलोड तो खैर फुल्ली है ये, इस साइड से चलते हैं भाई अपन लोग। मेरे को यहाँ से शायद बंदे होंगे, शायद इधर बंदे तो खैर काफ़ी सारे होंगे इधर। ओके ओके, तो मेरे को ऊपर को जाना पड़ेगा यार, ऊपर की तरफ से ही चलते यार। ओके गाइस, तो मैं ऊपर की तरफ आ गया और बंदे देख रहे हो भाई कितने बंदे हैं यहाँ पे। मेरे को लग रहा है नीड वीट डालनी पड़ेगी भाई, पूरी लॉस्ट गैंग भरी पड़ी है यहाँ पे। तो भाई साहब पूरी लॉस्ट गैंग है, पूरी की पूरी भाई। अरे 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 अरे, चलना चल चल चल। अबे इसको गोली लग रही, अरे ओके गोली लग गई भाई साहब। अगर मैं यहाँ पे नीड नहीं फेंकता ना अभी, कसम से बड़ी दिक्कत हो जाती। चल तेरी। ओके भाई देख रहे हो भरे पड़े हैं भाई लॉस्ट गैंग के बंदे, मतलब इतने बंदे उसने रख क्यों रखे हैं यार। मेरे को लग रहा है उसको पता चल गया कि हम उसे मारने के लिए आने वाले हैं। और मेरे को यहाँ पे तो भाई वो मिला नहीं, उसका जो बॉस है मेरे को लग रहा है वो अपनी बिल्डिंग में भाग गया है। अभी हम लोग कॉल करके लेस्टर से पूछेंगे, क्योंकि लेस्टर ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर रखी है। चल तेरी। और क्या है और क्या है, एक तो पुलिस ना हर जगह आ जाती है यार। ओके अरे ओके चल बेटा निकल। ओके एक बंदा, अबे वहाँ पे भी खड़े हो तुम। एक बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है शायद। चल तेरी। ओके और कहाँ है और कहाँ है, बंदे कहाँ है। पुलिस वालों को चैन नहीं अपने आप ही भयंकर, इन लोग को चैन नहीं, इन लोग को भाई पुलिस वालों को हर जगह आ जाएंगे मुंह उठा के। ओके ओके, तो मेरे को लगा मैंने सबको मार दिया है। ओके तो और तो कोई बंदा यहाँ पे बचा नहीं लॉस गैंग का। देख रहे हो मतलब पूरी गंदी सी भाई लाशें बिछा रखी हम लोगों ने इतनी सारी भाई साहब, देख रहे हो मतलब ये होती है सीन। ओके तो सारे बंदे तो मर चुके ना, तो अब अपन लोग भी यहाँ से निकलते हैं यार। पुलिस, अरे यार नीचे कहाँ कूद गया माइकल। अपन लोग यहाँ से निकलते क्योंकि पुलिस वाले आ चुके हैं भाई। आजा भाई ट्रैवल जल्दी आ। ओके ओके आजा भाई आजा आजा, कहाँ गया। अबे यार उनसे फाइट नहीं लेनी, फिर ये फाइट लेने के लिए जा रहा है यार, हद है इसकी भी। फाइट ही फाइट लेता है ये भी। अरे अरे अरे, तो हमें यहाँ ऊपर से निकलना पड़ेगा। अरे कहाँ गया यार, आजा भाई आजा जल्दी। हाँ जल्दी आ जल्दी जल्दी जल्दी। ओके तो अपन लोग कार लेकर चलते हैं। ये देखो इसको फाइट लेने में लगा हुआ भाई पुलिस वालों से, ये भी कसम से इसको भी चैन नहीं है यार। बैठ 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 जल्दी बैठ जल्दी बैठ। ओके अपन लोग यहाँ से फिर से निकलते हैं यार। पुलिस वाले भी कहेंगे भाई क्या सीन चल रहा है इसका, हर बार कोई ना कोई क्राइम करने में लगा हुआ है, किसी ना किसी को मारने में लगा हुआ है। तो जल्दी से निकलते हैं यार अपन लोग। तीन चार पुलिस अपने पीछे फिर से लग चुकी है। अरे हट जा भाई, वैसी देर हो रही है इतनी। ओके तो सामने से भी पुलिस आ रही है। ओहो हो, पुलिस वालों को देख रहे हो भाई कैसे ठोकते हुए आ रही है बिल्कुल ही, मतलब पब्लिक को तो पता नहीं क्या समझ रखा है पुलिस वालों ने भाई। ओके तो मैं यार एक बारी फिर से लेस्टर को कॉल करता हूँ और उससे ये भी पूछ लेता हूँ कि वो बिल्डर अभी फिलहाल के लिए है कहाँ पे, और पुलिस हटवाने के लिए भी उससे बोल देता हूँ। तो उसको हम लोग कॉल कर देते हैं। तो लेस्टर कहाँ गया भाई लेस्टर। ओके ये है। ओके गाइस, तो देखो भाई लेस्टर ने तुरंत ही भाई तीन स्टार पुलिस भी पीछे हटवा दी। देख रहे हो मतलब वो जो हैकिंग रूम है ना भाई, कसम से बहुत तगड़ा हैकिंग रूम है। देख रहे हो मतलब वहाँ से देखो लेस्टर तुरंत पुलिस हटवा दे रहे हमारे पीछे से। तो अब हम लोग को चलना है भाई उसी लोकेशन पे जहाँ पर फ्रैंकलिन को लास्ट टाइम हम लोगों ने छोड़ा था, मतलब फ्रैंकलिन जहाँ पर मिला था, मतलब उसी बिल्डिंग में, क्योंकि वो जो बिल्डर है ना वो फिलहाल अभी उसी बिल्डिंग में है भाई। तो जल्दी से चलते भाई उसी बिल्ड। अरे यार तो जल्दी से चलते हैं भाई हम लोग उसी बिल्डिंग में। तो वो बिल्डिंग मेरे ख्याल से इस साइड में है भाई कहीं पे। तो जल्दी से चलते भाई। अरे यार हम लोग को पीछे से जाना पड़ेगा। और भाई वहाँ पे अगर वो बिल्डर दिख गया ना भाई, यहाँ पे तो वो मिला नहीं, मतलब देख रहे हो भाई बिल्डर भी कैसे भागने में लगा हुआ है। कभी अपने मैंशन में होता है, कभी अपनी बिल्डिंग में चले जाता है। हद है भाई, उसकी भी लाइफ झंड हो रखी है बिल्कुल ही। और माइकल ने ही उसकी लाइफ अभी झंड कर रखी है भाई। वो जो बिल्डर है ना भाई, बचे बचने वाला नहीं हमारे हाथों से अगर वो वहाँ मिल गया तो। तो जल्दी से चलते भाई हम लोग उसी बिल्डिंग में और वहाँ जाकर उस बिल्डर को मार के आते हैं भाई। और फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी यार वहीं पर हमें मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा यार, वरना तो फ्रैंकलिन का समझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर वो वहाँ पर नहीं मिला तो। ओके तो कैसे अपन लोग पहुँच चुके भाई उसी लोकेशन पे। अरे अरे, जहाँ पे भाई फ्रैंकलिन ने लास्ट टाइम आके जहाँ पे फाइट वाइट ली थी। तो मैं गाड़ी को सही साइड, और अरे 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 अरे, ये बंदा तो मेरे को लग रहा है बिल्डर है यार। ओके इसको हम लोग देखते हैं यार, ये बंदा तो मेरे को लग रहा है बिल्डर है। तो इससे जल्दी से हम लोग बातचीत करके आते हैं भाई। उतर उतर ट्रैवल जल्दी उतर, इससे तो भाई हम लोग बातचीत करके आते हैं भाई गन लेकर। अबे अबे वो कार में क्यों बैठ गया भाई, उतर 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 उतर। अबे 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 अबे, कहाँ चली गई अरे। अबे हमें देखते ही भाग गया, हद है यार। जल्दी चल भाई ट्रैवल जल्दी चल, हमें इसको पकड़ना है। अबे भाई देख रहे हो मतलब सीधा भाग गया बंदा ये, मतलब देखते यार। अबे यार ट्रैवल जल्दी 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 यार, भाग जाएगा वो तब तक। जल्दी बैठ जा भाई मेरे। ओके तो वो बंदा गया किस साइड, किस साइड गया वो बंदा। अबे यार लग रहा है वो भाग गया।
ओह शिट। ओके तो मेरे को लग रहा है वो इस साइड में कहीं पर भागा है। ओके तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है भाई? अबे यार पता नहीं कहाँ चले गया वो। एक तो ट्रेवर ने दिक्कत कर दी ना, ट्रेवर इतनी लेट आया भाई। अबे यार कहाँ चले गया वो, कहाँ चले गया, दिख भी तो नहीं रहा। ओके पता नहीं कहाँ चले गया भाई, मतलब गया वो हमारे हाथ से यार इस बार भी। हद है यार। तो मैं यार अब लेस्टर को कॉल करके ये बता देता हूँ यार कि वो बंदा हमारे हाथ से फिर से चले गया यार, बड़ी दिक्कत है यार। लेस्टर कहाँ गया नंबर? तो अब तो भाई हमें फ्रेंकी की लोकेशन का ही पता लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि देखो वो भी हमारे हाथ से पता नहीं कहाँ पे चले गए, एकदम से पता नहीं कैसे चले गए वो सुपर कार में। ओके तो गाइस मैंने लेस्टर को कॉल कर कर बता दिया है, ठीक है। तो अब लेस्टर यार उसकी लोकेशन को ही फाइंड करेगा कैसे भी करके, क्योंकि भाई हमें फ्रैंकलिन को बचा कर ही लाना है। और वो बिल्डर पता नहीं कहाँ चले गया यार, मतलब यार माइकल को देखते ही सीधा भाग गया वो कार से। हद है भाई, आराम से खड़ा हुआ था तब तक कार के पास, फ़ोन उन पे शायद बात बात कर रहा था। मतलब माइकल को उसने जैसे ही देखा ना, माइकल ने जैसी गोली चलाई उसने कार सीधा उड़ा दी भाई सीधा। ओके तो अभी भी हम लोग को यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, वरना हमें यहीं पे घूमता वो कहीं पे दिख जाता। ओके तो अब जब लेस्टर है उसकी लोकेशन फाइंड करेगा तभी कुछ पता चल पाएगा यार फ्रैंकलिन का। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यार अगर चैनल पर नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और गाइस कल का एपिसोड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल का एपिसोड कसम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कल आप लोग को पता चलेगा फ्रैंकलिन है तो है कहाँ पे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।